हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और जैसे कि थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया हो कि आज मैं आया हुआ हूँ कहाँ पे, सिटी फॉरेस्ट पार्क। ये गाज़ियाबाद में पड़ता है बेसिकली। तो मैं सोच भी रहा था कि बनाने के लिए वीडियो एक, तो आज मेरे को टाइम मिला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे आते हैं, क्या चार्जेज हैं पार्किंग के, टिकट कितने का है, क्या टाइमिंग है, मेट्रो स्टेशन कौन सा नियर अबाउट पड़ेगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए अब आपको पूरा मैं पार्क विजिट कराता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। सिटी फॉरेस्ट पार्क जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है, और आज मौसम बहुत अच्छा था तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए। तो आज बेसिकली 26 जनवरी है और आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और आज जैसे आप देख सकते हैं आज सूरज भी नहीं निकला है। तो जैसे ही आप बाई रोड से आते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये दो एंट्री इसमें मिलती हैं। बस वाली में जहाँ पे एंट्री लिखा हुआ है, मेंशन है, यहाँ पे से आप एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर सभी अलाउड है। और ये वाला जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे एग्जिट का है, ये बाहर से तब आप आते हैं तो इस रास्ते से आप बाहर आ सकते हैं। जैसे कि रास्ता एक ही है बट गेट दो बनाए हुए हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था इसके चार्जेस का, इसमें जो चार्जेस हैं वो टू व्हीलर के हैं, टू व्हीलर के बेसिकली 10 रुपीज़ हैं और फोर व्हीलर का बेसिकली 20 रुपीज़ है। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और पूरा पार्क विजिट कराता हूँ। बेसिकली बहुत अच्छा पार्क है ये। पार्क के साथ आप एंट्री करते ही आपको एक मिलेगा छोटा सा ब्रिज। बेसिकली ये हिंडन रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। तो बहुत ही पीसफुल जगह है फैमिली के लिए और कपल्स के लिए, दोनों के लिए। किसी तरह का रोक टोक नहीं है, बेसिकली पुलिस भी अंदर रहती है बट किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, आज 26 जनवरी है और आज के दिन ये पार्क पूरा फ्री रहता है। और यहाँ पे पार्किंग का ही चार्जेस लगता है जो कि 10 रुपीज़ टू व्हीलर का है, फोर व्हीलर का 20 रुपीज़ है। बाकी जो विजिटिंग के लिए जो टिकट लगता है वो फ्री होता है आज के दिन। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त को आने का, तो यहाँ पे ये फ्री रहता है पूरा पार्क। तो चलिए ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें आगे आएंगे ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ से, तो पार्किंग में यहाँ पे आप अपना टू व्हीलर फोर व्हीलर यहीं पे पार्क कर सकते हैं। और टिकट का मैंने आपको इसका चार्जेस बता ही दिया है, 10 रुपीज़ टू व्हीलर का है और 20 रुपीज़ फोर व्हीलर का है। यहाँ पे आकर के आप ये लिखा हुआ है VIP पार्किंग, यहाँ पे आके आप ये इधर से टिकट ले सकते हैं टू व्हीलर का। यहाँ पे भैया बैठे रहते हैं, अभी मैंने इनसे टिकट लिया है। और यहीं से अगर आप इधर लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में यहाँ पे अंदर जाने का टिकट मिलता है जो कि 10 रुपये पर पर्सन होता है। बट आज के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए भैया नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल खाली है। और इधर अगर आप वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हैं तो वॉशरूम की पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे, अच्छा ठीक ठाक होता है, साफ सुथरा होता है। और यहाँ से आप इसको एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ से ना दो गेट्स बने हुए हैं, अभी तो यहाँ से ही आपको सिंगल मिलेगा, अब आगे जा करके नहीं ये डिवाइड हो जाता है, दो पीस में हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे बाहर से पार्किंग की तरफ से यहाँ से, तो एंटर करते ही आपको आपके राइट साइड में मिलेगा ये कैंटीन, तो जहाँ पे आप अगर आपको भूख वगैरह लगी हो तो आप यहाँ पे लंच डिनर कर सकते हैं। नया बंदा आता है तो यहाँ पे फैसिलिटी है लंच वगैरह की, पूरा फैसिलिटी है यहाँ पे। थोड़ा सा आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे ये इसका एक मैप भी मिलेगा, एक मिनट आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अंदर जाने से पहले अच्छा यही होगा कि आप इसमें ना इसका फोटोग्राफ अपने पास रखें ताकि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे आपको वापस आना है, ये सारा।
यहाँ पे एंटर करते ही आपको ये लेडीज मिलेंगी यहाँ पे। काफी अच्छा पार्क है, फैमिलीज के लिए, कपल्स के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा पार्क है। काफी शांति है यहाँ पे, और लोग जो लोग नेचर लवर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। यार देखिए सच में यार एकदम ना मतलब हॉरर वाली फीलिंग आती है यहाँ पे, मतलब कि एक तो बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पे, और दूसरा ऐसे मौसम में देख करके ऐसा लगता है कि जैसे राज वाली फिल्म होती है ना, तो उसमें उस वाली फीलिंग आती है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पे आपको इस तरह के शेल्टर टाइप बने हुए मिलेंगे। यहाँ पे बैठ के आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, काफ़ी शांत माहौल है। चलिए आगे दिखाते हैं। और तो फ्रेंड्स ये है एडवेंचर जोन का एरिया। देखिए जैसे कि आज ये बंद है 26 जनवरी के दिन, मैं बाहर से इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सामने ये इसका टिकट मिलता है, 60 रुपये का टिकट है इसका, और यहाँ पे मैं इसको कवर करता हूँ। इसमें जो भी आएगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही हैं बाहर से। एक्चुअली हम लोगों को टाइम नहीं मिला था आने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आज इसको करवा देता हूँ, और यहाँ पे आप इसको देख पाओगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे ये है, ये वाली टायर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब बच्चों के लिए काफ़ी है जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 फ्रेंड्स, इस तरफ तो है ये एडवेंचर जोन जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसी से अगर आप आते हैं आपके राइट में पड़ेगा किड जोन, ये बच्चों के लिए है बेसिकली। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया है कि फैमिली पार्क है, तो इसमें आप बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ भी आ सकते हैं। इसमें देखिए ये झूले हैं, कई तरह के ट्रेन वाले झूले हैं, ये इसमें देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि इसमें एक लेक बना हुआ है, और इसमें बोट्स वगैरह की भी आप सवारी कर सकते हैं। मैं आपको नज़दीक से ले जा करके दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये पूरा लेक बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। यहाँ से ये आप लेक की भी सवारी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये 60 रुपये का टिकट पर पर्सन होता है। फ्रेंड्स ये लेक काफी बड़ी है, देखिए जिसमें बोटिंग वगैरह कर रहे हैं लोग। एक्चुअली मेरे को तो पानी से थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं पानी से दूर ही रहता हूँ। तो पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये साइकिल के लिए पूरा ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे, ये साइकिलिंग के लिए है।
तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी सिटी फॉरेस्ट पार्क के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगी होगी। तो अगर आप कभी प्लान बना रहे हैं आने का तो प्लीज़ आइए, ये बहुत अच्छी जगह है एक शांत माहौल में कुछ टाइम बिताने के लिए। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ आने के क्या रास्ते हैं। यहाँ अगर आप मेट्रो की बात करेंगे तो हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन नियर अबाउट पड़ेगा, और वहीं से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे। पर पर्सन ऑटो 20 रुपीज़ चार्ज करता है, और आपको सिटी फॉरेस्ट के गेट पे ही उतारेंगे, जहाँ से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना करके लेके आता रहूँ। और आप लोग सब्सक्राइब कर दें तो हम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।